हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हैक। दिस इज प्रेम पांडे, और जिसका हमें इंतजार था, क्लास टेंथ का रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दिया है। अभी अभी ट्वीट आया है कुछ देर पहले, और आप ट्वीट पूरा पढ़ सकते हो। खुद हमारे एसआरडी मिनिस्टर ने कहा है कि क्लास टेंथ का रिजल्ट 15 जुलाई 2020 यानी कल आ रहा है। तो हमारा वेट आखिरकार ओवर हुआ। अभी इसके अलावा इस वीडियो में बहुत कुछ है जो आपको जानने लायक है, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट कल आ रहा है तो कौन कौन सी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी और राहत की बात कौन सी है। यार मैं जानता हूं कि जिसका रिजल्ट आता है उसके दिल पर क्या गुजरती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, ठीक है। और कुछ बातें जो मैं बताऊंगा इससे तुम थोड़ा सा चिलैक्स महसूस करोगे पक्का। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया कितने बच्चे पास होंगे। डायरेक्ट बात पर आते हैं कि भैया कितने परसेंट बच्चे पास होंगे। तो मैं तुम्हें क्लास ट्वेल्थ का डेटा बता दूं यार, कि 2019 में क्लास ट्वेल्थ में लगभग 82% बच्चे पास हुए थे, और 2020 में 87%, यानी 5% बच्चे ज्यादा पास हुए हैं पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब अगर ऐसे हम क्लास टेंथ का एक्सेस करें तो क्लास टेंथ में पिछले साल 91% बच्चे पास हुए थे। तो आप सोच सकते हो, अगर 5% भी बढ़ता है ना पास परसेंटेज, तो 95-96% बच्चे पास हो जाएंगे, जैसा हमने कल एक्सपेक्ट किया था। तो यार बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम चिलैक्स करके रखो और मॉम डैड को बता दो तुम्हारा बंदा पास है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या क्लास ट्वेल्थ जैसे क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट निकला एकदम बॉम्ब की तरह उन्होंने गिरा दिया, लो भाई अपना रिजल्ट ले लो, तो क्लास टेंथ का भी ऐसा ही होने वाला है क्या कुछ? बिल्कुल ऐसा होने वाला है, क्योंकि मीडिया को अब तक कोई खबर नहीं है, और क्लास टेंथ का रिजल्ट भी लाइकली किसी भी टाइम अगले 48 घंटे में सीबीएसई इशू कर सकती है। हो सकता है आप कल सुबह उठो, 8 बजे रिजल्ट आ जाए, 12 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, इसका कोई भी फिक्सेशन नहीं है, तो आप तैयार रहो रिजल्ट के लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और पूछ रहे थे कि भैया क्या टॉपर्स लिस्ट आएगी क्या, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में मेरिट लिस्ट नहीं इशू किया है सीबीएसई ने, टॉपर्स की लिस्ट इशू नहीं किया है, तो क्या क्लास टेंथ के साथ भी ऐसा होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं यार कि जो इस साल का हमारा मार्क्स कैलकुलेट हुआ है वो अल्टरनेटिव वे से, मतलब किसी ना किसी स्कूल में इंटरनल असेसमेंट के बेस पर कर दिया है, जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो कहीं ना कहीं क्लास टेंथ का भी कुछ ऐसा ही होने वाला है ना। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, टॉपर्स लिस्ट अनाउंस नहीं होगी, ये एक एक्सपेक्टेशन है, बाकी जो चीजें हैं वो तो आपको कल ही पता चलने वाली है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसा क्लास ट्वेल्थ वालों के साथ हुआ था, कि कुछ देर तो वेबसाइट सीबीएसई की चली, ठीक ठाक चली, उसके बाद उनकी वेबसाइट क्रैश कर गई, और ये टीवी पे भी न्यूज आ रहा था, और कई सारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं न्यूज के, वहां पर भी ये दिखाया जा रहा था कि लिंक क्रैश हो गया, और 2 घंटे बाद सीबीएसई वालों ने ठीक ठाक कर दिया, लिंक फिर से चालू हो गया। तो आपको ये दिक्कत ना हो, इसलिए आपका भाई कुछ अल्टरनेटिव वे लेके आया है, मतलब आप सीबीएसई के रिजल्ट सीबीएसई के ओरिजिनल वेबसाइट के अलावा और कहां पर चेक कर सकते हो। कई सारे एप्लीकेशन है, जैसे उमंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो यार, आप वहां पर सिंपली अपना जो रिजल्ट है चेक कर सकते हो। इसके अलावा हाँ, डिजी लॉकर ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे आप अपना रिजल्ट तो चेक कर सकते हो यार, साथ साथ जो अपनी डिजिटली साइन मार्कशीट है ना, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, है कि नहीं मजे वाली बात। तो तुम्हारे भाई ने दो चीजें बता दी कि आप रिजल्ट कैसे चेक करोगे, पास परसेंटेज कितना रहने वाला है, और एक चीज और कि टॉपर्स लिस्ट अनाउंस होगी कि नहीं। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं, एंड आई होप कि आपको सब कुछ ये जो एल्गोरिथम था वो समझ में आया होगा, एंड आपका रिजल्ट आ रहा है कल, तो दिल थाम के बैठिए, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट।